चांद देखने चांद देखने चांद 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 अरे माशाल्लाह वो सामने अरे वाह माशाल्लाह क्या पढ़ते हैं ईद की चांद देख के पटाखा पड़ गया क्या बोले हम ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक सब आपस में ईद मिलो ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक शोहर जी ईद मुबारक ईद मुबारक ऐसे कोई अल्लाह की बंदा यही पर्दा लेकर आए भाई हाँ दाग लगा था बंदर चल रहा अरे ताज तो गाइस ईद का चांद दिख गया है और आप सभी को हम लोगों की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं नीचे और बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। पानी कर दिया सफाई चल रही है डस्टिंग डीलिंग सफाई चल रही है हम लोग हॉल वगैरह सब धुलने लग गए थे। हमने सोचा एक बार धुल लेते हैं, धुलने की बात ही अलग होती है। तो बहुत संभाल संभाल के धुलना पड़ रहा था, पानी इधर उधर ना चला जाए, फर्नीचर के नीचे ना आ जाए। तो हम लोगों ने फटाफट से पहले हॉल क्लीन किया, रूम अंदर वाला रूम राहत ने पहले ही कर लिया था। अभी ये रूम हॉल बचा है और मेरा रूम बचा हुआ है। मेरे रूम में तो सिर्फ आगे का पोर्शन ही धुलना पड़ेगा क्योंकि पानी वहाँ जा चुका है, अगर नहीं जाता तो हम ऐसे भी चल जाता। तो फिलहाल फटाफट से ये सारी चीज़ें वॉश करेंगे। और हम चले गए थे अम्मी के घर भी क्योंकि कर्टन जो थे ना वो 2-3 साइज़ के थे और जो कि हमें फ़ोल्ड करवाना था तो कोई भी टेलर इतना अर्जेंट तो करके देता नहीं, तो हमने दे दिया था वो फ़ोल्ड करने के लिए। अम्मी ने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया था और मेरा कुर्ता भी जो थोड़ा बहुत ढीला था वो भी फिट हो गया था और धुल चुका है, एकदम क्लीन हो गया है, कितना चमक रहा है। रात के 2 बज रहे हैं गाइस, घर के अंदर देखिए सारी चीज़ें धुल पुल गई, पर्दे भी धुल गए, रूम वगैरह भी धुल गए, सीढ़ी भी धुल गई पूरी। अब बन रहा है नहीं बने ढाई ऑलरेडी बज गए थे तो हमने सोचा कि जो चना है वो भी भिगा देते हैं और दही बड़े के लिए बड़ा भी प्रिपेयर करके रख देते हैं ताकि सुबह ये सारी चीज़ें ना करनी हो। तो वो सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर कर ली थी और फिर जुहान के पापा आ गए थे उन्हें रिसीव करने के लिए। तो 3 बजे के करीब शिवा पी भी चली गई अपने घर। कंजड़ी ज़ायरा गाइस, आज मैंने अपने चिड़िया लोगों को डोनट दिया था बना के, कल ईद है तो मैं कल चिकन लेग पीस बना देती हूँ। ऐसे ही रहता चिकन लेग पीस थोड़ा सा। तो शिवप्पी और बच्चे चले गए घर, हम दोनों आ गए थे वापस से किचन में। हम यहाँ पे बड़े जो है वो फ्राई करने लगे थे और राहत जो है खोआ भुनने लगी थी क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि सिवई भी नानी को बोल देते हैं, वो रात ही में प्रिपेयर करके रख दें। दही बड़े जो है वो रेडी हो गए हैं और थोड़े से बचे हुए हैं, थोड़े से रेडी हो गए, थोड़े से हो रहे हैं, खोया जो है वो भुन गया है, बहुत मेहनत लगी, मेरे बाजू टूट गए। तीन बजने वाले थे और राहत यहाँ पे भून रही थी सिवई, बस यही बचा था प्रोसेस। बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कट हो चुके थे, खोया भी भून चुका था, बस सिवई फ्राई करके
क्या बोलते हैं, भून कर, और बस नानी इसके बाद बनाने वाली हैं सेवई। तो यहाँ पे सेवई बननी स्टार्ट हो गई थी और हम चले गए थे छत पे, थोड़े कपड़े थे उन्हें वॉश करने के लिए, और वहाँ से आए तो राहत सो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे हमने जो सोचा अपने रूम का कर्टन लगा के फाइनल कर देते हैं, हॉल वाला सुबह मॉर्निंग में लगा लेंगे, तो वो हमने लगा दिया है। और इसके बाद जो है ना हम जा रहे हैं सोने के लिए। हाय गाइस, 9 बज रहे हैं, सब नमाज़ पढ़ने जा चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं रूम की बेडशीट चेंज करने। कर्टन ये वाला हमने रात में लगा दिया था, बीच वाले से ना बहुत रोशनी आ रही है बाहर से, तो उधर के साइड से हमने एक बेडशीट लगाई है आधे में, तो थोड़ा सा रोशनी जो है ना बैलेंस लग रहा है। तो यहाँ पर ना कभी भी लगेगा तो डार्क पर्दा ही लगाना पड़ेगा। अभी बिछा लेते हैं इसको, इस तरह की बेडशीट रोशन बाग में इतनी सारी दिख रही थी, वहीं से ले लेते हैं, और सस्ती भी दे रहा था, 50 रुपये सस्ती दे रहा था। एनीवेज बिछाते हैं ऐसे। अभी हम लोगों को अभी टाइम मिला है ईद डेकोर करने का, तो अभी सॉरी गाइस ये झाड़ू यहाँ पड़ी हुई है झाड़ू लगाते लगाते डेकोर करने लगे हैं, तो अभी ये बना रहे हैं हम लोग, देखते हैं जल्दी से बन जाए और फिर इसको लगा देते हैं, तो इस काम से फ्री हो जाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फाइनल। हाथ देखिए इनका, मेरा भी हाथ देखिए क्या हो गया है। चलिए मिलते हैं पूरा बना कर। देखो कौन आया, अरे लक्ष्य अब भी मेहंदी नहीं लगाई है, दिखाओ। ये देख गाइस मेरा चेहरा। लक्ष्य अब इसमें कितना जमा के रखी हो? ज्यादा नहीं, देखें चेक करें, ज्यादा हुआ तो हम उड़ा देंगे। ओके ओके। अरे हाँ सही है लक्ष्य, अब इतना तुम्हारे लिए सही है। ईद मुबारक गाइस, ईद मुबारक। ऑलमोस्ट डन हो गया है ये, थोड़ा सा बचा है, हिम्मत नहीं हो रही है। दिखने में लगता होगा आप लोग सोचेंगे कितना इजी है, इन लोग इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन करके दिखाइए, थोड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट भी होता है, हाँ तो हाथ में दर्द भी होगा। देखिए हाथ के मेरे इसी डब्बे के अंदर रख दिया है। हाँ चांद भी वाले रूम में मेरा चांद रखा है। क्या बना रही हैं? अरेबियन पुडिंग बन रहा है गाइस। हाँ अरेबियन पुडिंग, गर्ल्स की तो ऐसे ही होती है क्या? हम लोगों की तो ऐसे ही हो रही है, बचपन में बस कोई काम हो नहीं, तैयार हो के नहा धो के टहलो। अभी किचन में कितने बज गए? 3-2 बज रहे हैं। तो गाइज ये था हमारा ईद डेकोर, जितना ज़्यादा ब्राइट कलर्स ये रियल में लग रहे थे ना उतना फ़ोन में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या रीज़न था, शायद जो पीछे से रोशनी आ रही है इस वजह से या जो भी वजह रही हो, लेकिन दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है। बस थोड़ा टेप का इशू हो रहा है, ये जो हमारा ईद लिखा हुआ है ना ये बार बार गिर जा रहा था। तो फ़िलहाल जो है ना हमारा डेकोर कम्प्लीट हुआ, होप आपको ये वाला डेकोर भी पसंद आए। और अभी फ़िलहाल अभी भी चल रही है हम लोगों का किचन में काम, देखते हैं कब ख़त्म होता है। गाइस हम रेडी हो गए हैं, ईद मुबारक। अरे सॉरी गाइस फूल झड़ गया। गाइस इधर गाइस ऐसे लाइट कम है, आप लोग ना वो मत धोखा मत खाइएगा। अभी देखिए देखो कौन, असलान भाई ऊपर देखिए, ठोक दी, ये अच्छा नहीं किया असलान भाई आपने। अरे रयान भाई भी आए और असलान भाई आए, दोनों मिले, दोनों ईद मुबारक। ईद मुबारक।
रियान में। रियान तुम्हारा और मेरा ड्रेस सेम सेम कलर लग रहा है, ये देखिए गाइस, थोड़ा बहुत मिल रहा है। अभी हम आपको अपना फुल लुक दिखाते हैं, वेट। तो गाइस सुबह से लेके अब जाके हम लोग अच्छे से रेडी हुए, रात रेडी हो गई थी, उसके बाद हम जो है बिजी हो गए थे काम वाम करने में। और मेरा ये नेक जो है ना थोड़ा हमें बड़ा लग रहा है, नॉट कम्फर्टेबल, क्योंकि वी नेक जो है ना थोड़ा गड़बड़ रहता है, यहाँ से थोड़ा बड़ा लग रहा है। और वो हमारा पीछे का ई डेकोर कैसा लगा, सब कुछ बहुत लेट था लेकिन फिर भी अच्छा था, है ना। ये राहत का ईद वाला ड्रेस जो आप लोगों ने बोला था, वोट किया था कि राहत वो पहने, तो राहत ने वो पहना। ये रही है लक्षा, ये रही मेरी चूड़ी, देखिए हमने बोला था ना मिक्स एंड मैच कर लेंगे, अच्छी लग रही है ना। हाँ, मैच कर रहा है, मैच कर रही है। अच्छा पे क्या लगा के, वाह क्या बात है। और वो जूड़े मुड़े पिन वाले के साथ लगाए, कौन लगा, आप लगाई थी क्या? नहीं हमने नहीं लगाया। हेलो गाइस, ईद मुबारक आप सबको, ईद मुबारक। इतनी लेट ईद मुबारक हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग सुबह से किचन में थे गाइस, हम लोगों की ईद किचन में हो रही। कल रात कितना हम लोग कल रात का काम किया, फिर भी सुबह में काम था। अगर सुबह घर वाला काम नहीं खत्म, कल रात में घर वाला काम नहीं खत्म करते तो सुबह पहले घर का करना पड़ता, मतलब बेसिक चीज़ें, और फिर उसके बाद किचन की चीज़ें। क्या दिन पहने, हाँ रात में रिंग उतार दी थी एकदम अच्छा काटा ना, फिर उतार के रखी ईद के बाद। चलिए अभी हम लोगों का प्लान बन रहा है कि हम लोग शायद अपने यहाँ आ जाएँ, अगर वहाँ चलेंगे ना तो आपको भी ले चलेंगे। रियान ये भी ले लो अपनी, उधर मिल गई भाई को। ये अलक्षा की ईदी, ज़्यादा नहीं है गाइस बच्चों के हिसाब से, ये राहत अपनी की ईदी अलक्षा को दे दीजिए। हाँ दे दो, हम बताए कि अर सलाना आया फिर भी नहीं आ रहा था, सो ही रहा था। हाँ चलो आओ, बाप रे बाप, थोड़ी सी हमको तो ये भी नहीं मिला, हमको ये भी नहीं मिला गाइस। ये मेरी ईदी गाइस, इसीलिए हमने पॉकेट चलाया था ताकि हम ईदी रख सकें। चलो हम लोग निकल गए हैं अभी अप्पी के घर जाने के लिए, और सुहेल नहीं हम लोगों को छोड़ने आए क्योंकि उनके फ्रेंड्स आ रहे थे घर पे, एक फ्रेंड तो आ ही गए थे, तो उन्होंने बोला अरसलान को वो ड्रॉप कर दे, ही वो ड्राइव कर लेता है, इसलिए वो आया था अप्पी के घर ड्रॉप करने के लिए। भाई साहब को ईदी में न्यू फोन मिला तो यहाँ पे शान जो है ना भाई साहब का ओल्ड फोन से न्यू फोन में सारी चीजें ट्रांसफर कर रहा था, और ये हम लोगों की मस्ती मजाक चल रही थी, खाना वगैरह हम लोगों का हो गया था, और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए। घर पहुँच कर फिर आपसे मिलते हैं। आपकी ईद कैसी बीती हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ हम लोग अप्पी यहाँ थे तो सुहेल के फ्रेंड्स आए थे यहाँ पे, और बेडशीट की ये हालत है, तो अभी इसे सही कर लेते हैं और फिर करते हैं थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया। आज हम लोगों ने ना कोई पिक्चर्स नहीं क्लिक करवाई गाइस, तो सोच रहे हैं कि ये सही करने के बाद ना फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं, उसके बाद ड्रेस चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब नहीं रहा जा रहा है इस कपड़े में। गाइस किचन का हाल ठीक ही नहीं हो पा रहा, गेस्ट पे गेस्ट ये बच्चा कुछ हम लोगों को खाना पड़ता है।
कोल्ड ड्रिंक भी पीना पड़ेगा मजबूरी है। पानी हमें भी चाहिए, गिलास ही नहीं मिल रहा है, इसी में पी लेते हैं। तो गाइस कल गेस्ट क्या है, उसके बाद हम लोगों ने दो चार पिक्चर्स क्लिक करवाई अच्छी अच्छी और फिर हम लोग सो गए। तो ये था हमारा ईद व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जितना ज़्यादा शूट कर सकते थे हमने शूट किया और आपके साथ शेयर किया है। और बस वंस अगेन हैप्पी ईद, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।